जमीन पर पड़ी खून की छींटे, अदालत लाए गए दो हत्यारोपियों पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीजेएम अदालत की है। यहां दिल्ली पुलिस बिजनौर में हुई हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को पेशी पर लाई थी, लेकिन इसी बीच तीन हमलावरों ने हत्यारोपियों पर गोलियां इस कदर चलाईं जिसमें मुख्य आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा पुलिस कस्टडी में है। वहीं इस हमले में पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए हैं। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात ने बिजनौर की इस अदालत को जैसे दहला कर रख दिया। मारे गए आरोपी की परिजन बदहवास हो गई। सबसे पहले सुने पुलिस इस पूरे वाकये पर क्या जानकारी दे रही है और इस वारदात के पीछे आखिर कहानी क्या है। जनपद बिजनौर में करीब 6 माह पहले थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था एहसान खान और उसके भांजे का। उस अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त शहनवाज अंसारी दिल्ली में सरेंडर किया था, आज उसकी कोर्ट में पेशी थी दिल्ली पुलिस के साथ। उसको आज यहाँ सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ पेशी के दौरान एहसान खान के पुत्र ने अपने दो साथियों के साथ कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार दी है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तीनों अभियुक्तों को मौके से पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, चेस करके पकड़ लिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। और अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हत्यारोपियों पर सनसनीखेज हमले को कैसे अंजाम दिया गया। कुछ समय पहले दिल्ली में सरेंडर करने के बाद दिल्ली पुलिस मंगलवार को शाहनवाज समेत एक और हत्यारोपी को पेशी पर बिजनौर की सीजेएम अदालत लेकर आई। जानकारी के मुताबिक पेशी के दौरान कोर्ट रूम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक चली ताबड़तोड़ गोलियों से जैसे पूरा कोर्ट परिसर ही दहल गया हो। पुलिस के अनुसार 6 महीने पहले जिन स्थानीय नेता हाजी एहसान का मर्डर हुआ, उन्हीं के बेटे साहिल ने रंजिशन ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस सनसनीखेज हमले को अंजाम दे डाला। और देखते ही देखते हत्या का आरोपी शाहनवाज गोलियों से छलनी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।